हरियाणा के बहादुरगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ आज सुबह एक बड़ा हादसा होने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बता दें कि यहाँ नेशनल हाईवे 9 पर खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इनमें से एक मासूम बच्ची सहित 3 घायलों को गंभीर स्थिति के चलते PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। बता दें कि हादसा रोहंद गांव के पास हुआ। सभी घायल दिल्ली के रावल नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये लोग रविवार की सुबह दिल्ली के रावल नगर क्षेत्र से बस में सवार होकर खाटू श्याम से आज सुबह वापस लौट रहे थे। इस बीच जब बस दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर रोहंदर गांव के पास पहुंची तो वह डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में श्रद्धालु क्षमता से अधिक थे। बस के पलटते ही चीख पुकार मच गई। आनन फानन में राहगीरों ने तुरंत घायलों को संभाला और बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर समेत कुल 35 लोग घायल हैं। इनमें कई महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे की मुख्य वजह ड्राइवर का नशे की हालत में होना और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बस खाटू बालाजी से वापसी आ रही थी तो बस वाले को कई बार रोका गया कि थोड़ा स्लो बढ़िया चला गाड़ी, मैं दिख कर रहा था गाड़ी चलाना सही नहीं कर रहा। कई सवारी रोका, पीछे भी रोका टोल से पहले भी, मगर इसने रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ता भी चला गया। वहाँ से भी बैक करके लाया, बैठे थे अचानक गाड़ी ऐसे झटका लगा कि सारे गाड़ी दूसरी तरफ पड़ गई। नाम है मेरा, जी हम खाटू श्याम से वापसी के लिए आ रहे थे अपने घर के लिए, तो जी बीच रास्ते में हाईवे पर ड्राइवर नशे में था और कैसे था पता नहीं, उसमें बस पलट थी, उसमें कम से कम ज़्यादा लोग थे, 50-60 से ज़्यादा लोग थे, उन्हें चोट आ रही है हाथों में, कईयों में सर में, किसी के हाथों में, ज़्यादा लोग आए थे और ड्राइवर जी बस गिरते के साथ ही तुरंत फरार हो गया।